इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे अनंतनाग से सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर आपके सामने, लश्कर ए तैयबा के बताए जा रहे हैं आतंकी और मुठभेड़ हुई है। सुबह तकरीबन 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। अनंतनाग में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों की कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, अनंतनाग से सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। लश्कर ए तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें की जाती हैं। अब से ठीक 2 दिन पहले ग्रेनेड मिले थे, इस मामले को उससे भी जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से लगातार की जा रही हैं। हर रोज ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जब पता चला था, आशंका भारतीय सुरक्षा बलों को हुई थी कि आतंकवादी उस इलाके में छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च अभियान चलाया गया, पूरे इलाके को घेर लिया गया और फायरिंग की गई। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया, बड़ी कामयाबी भारतीय सुरक्षा बलों की। बिल्कुल, देखिए लगातार आतंकियों के ऊपर कार्रवाई कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल कर रहे हैं। जैसे ही इनपुट मिलता है, आतंकियों को पहले आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है, लेकिन जब आतंकी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर उनके साथ एनकाउंटर होता है और उनको मार गिराया जाता है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर जो है उसने किया हुआ है, लेकिन आतंकियों को वजह से सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान दे रहा है, जिसके चलते कहा जाए तो लगातार आतंकियों को सपोर्ट देने की वजह से आतंकी जो है कश्मीर घाटी में पनप रहे हैं। और यही वजह है कि आतंकी जो है जैसे ही कुछ इनपुट्स मिलता है सुरक्षा बलों को, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उनको मार गिराया जाता है। आज सुबह भी सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कोकरनाग इलाके में जो है 3 आतंकी जो है लश्कर के छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च ऑपरेशन कड़ा किया गया तो आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया। हालांकि उससे पहले परिवार वालों को बुलाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने की जो है वो कोशिश की गई, लेकिन आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई तो उसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है आतंकी मारने में। और अभी भी जो है वहां पर एनकाउंटर जो है वो जारी है। कहा जाए तो अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये आतंकियों के पास क्या क्या से बरामद हुआ है। जी रविंद्र, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, लगभग कितने आतंकियों के छुपे होने की आशंका है और क्या अभी तक जो फायरिंग है, जो मुठभेड़ है, वो चल रही है या खत्म हो चुकी है? जी देखिए, जो 3 आतंकी मारे गए हैं उनके पास से अभी जो है सर्च ऑपरेशन को अभी जो है कॉल्ड ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक सुरक्षा बल पूरी तरह से उस इलाके की छानबीन नहीं कर लेते हैं, उस जहां पर एनकाउंटर चल रहा था वहां से पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज नहीं किया जाता है, उसके बाद ही जाके कहा जा सकता है कि एनकाउंटर खत्म है। लेकिन लगातार आतंकियों पर कार्रवाई जो है वो की जाती है। जैसा कि आपने पूछा कि आतंकी कितने हैं, समय समय रहते पर आतंकियों के आंकड़ों में जो है फेरबदल होता रहता है, क्योंकि जब आतंकी क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ से आते हैं तो उनकी संख्या में इजाफा हो जाता है। लेकिन अब भी जिस तरह से लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे में कहा जाए तो 200 से 220 तक आतंकी जो हैं वो कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। हालांकि जम्मू के अंदर भी आतंकी जो हैं अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी और इनपुट्स के आधार पर जब कार्रवाई की जाती है तो उनके ठिकाने जो हैं उनको तबाह किया जाता है और उन ठिकानों से ग्रेनेड भी जो है बरामद। अभी मेंढर की बात करें तो मेंढर में एक आतंकी ठिकाने से 19 हैंड ग्रेनेड मिले थे, तो ऐसा लग रहा था कि आतंकी कहीं अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में थे और यही वजह थी कि वहां पर उन्होंने आतंकी ठिकाने जो है वहां पर ग्रेनेड छुपा कर रखे थे और समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों के हाथ जो है वो ग्रेनेड लगे हैं। और इसी प्रकार कश्मीर घाटी के अंदर भी लगातार जो है सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं और उन आतंकियों का सफाया कर देते हैं। और आज भी लश्कर के 3 खूंखार आतंकी जो है
वो मारे गए हैं, ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है भारतीय सुरक्षा बलों की, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।